बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब गवर्नर KPK, मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सारे से पहले तो मैं जनाब गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करदा कि आज उन्हां दी बड़ी एक अहम मीटिंग सी फाटा दे बारे च इस्लामाबाद च, ते उधरों टाइम कट के ते तशरीफ लियान, क्योंकि इन्हां दी कमिटमेंट सी कि मैं तुहाडी कॉन्फ्रेंस च जरूर शिरकत करनी है। इस वजह से वो इनॉगरल दा जिहड़ा प्रोग्राम सी वो असी जरा बाद च कर दिता है, ते सानू खुशी है कि वो उन्होंने ज्वाइन किया है। ते इससे पहले भी वो साढ़े हिंद को बोर्ड की सरप्रस्ती करते रहे। हज़ारा की जी सा कॉन्फ्रेंस थी जी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई अल्लाह के फजल नाल, उसी ची ये मेहमान खसूसी तशरीफ लिया सन। ते मैं दिल की गहराइया से उन्होंने खुशामदेद कहना तो शुक्रिया अदा करना। ये गंदारा हिंदको बोर्ड इस सारे सूबे दी इलाकाई लैंग्वेजेस दी फरोग वास्ते डेवलपमेंट वास्ते असी अदारा एक नॉन गवर्नमेंटल अदारा असी बढ़ाया, जिस इच के 22 साल असी लोग काम कर रहे हैं डिवोशन दे नाल, अखलास दे नाल, ते अपने रिसोर्सेज नाल वो कॉन्फ्रेंस ही मुनक्किद करते रहे, ते पब्लिकेशंस, बुक्स, ते एक्टिविटीज। ते ए सानू याद रखना चाहिए कि हिंदको लैंग्वेज जिस के सराइकी ते बाकी सारे इलाकाई लैंग्वेजेस हैं, ये ऑलमोस्ट 40-45% पॉपुलेशन इस सूबे की बढ़ जाती है, ते वो 1 करोड़ के करीब बढ़ेगी जेडे के ये लैंग्वेज समझते हैं, बोल सकते हैं। थोड़ी जी वेरिएशन है, कुहाटी है, हजारेवाल है, सराइकी है, पिशौरी है, लेकिन जेड़ी खूबसूरत गल है कि ये लैंग्वेज इस तरह है कि पूरे पाकिस्तान ही समझी भी जाती है। मेजोरिटी 90% से ज़्यादा लोग समझ भी लेंदे ते उन्होंने इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पैंदी। ते इस दे फरोग वास्ते बगैर तासब दे ये जो है ना इदारा काम कर रहे हैं 22 साल से, ते इस सानू बड़ी इमदाद ये जो इन्होंने अपने वर्कर्स ने जियाउद्दीन साहब, साढ़े सलाउद्दीन साहब, हाजी हलीम जान, अदनान गुल डॉक्टर साहब, इस सारे दोस्तों ने 20 साल से इस अपने कंट्रीब्यूशन के नाल काम कर रहे हैं। तो ये जिस वक्त मैं देखा, मैं जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी सी कि किस तरह मुखलिसाना तरीके नाल काम कर रहे, तो नैचुरली एक वो कि इन्हों की इमदाद करनी चाहिए है। तो गवर्नमेंट की तरफों थोड़ा बहुत असी इन्हों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वास्ते थोड़ी जी हेल्प कर दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिटायरमेंट के बाद मेरी एसोसिएशन ज़रा ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं समझदा कि एक बहुत वड्डी खिदमत है अपने सूबे की। इस सूबे ने मैनू तुसी सारे नूं बहुत कुछ दिता है, इज्जत दिती है, रिकग्निशन दिती है, तालीम है, ते अल्लाह ने हाईएस्ट पोस्ट से खिदमत करने का भी मौका दिता है। जिस तरह गवर्नर साहब नूं 2 मौके चीफ मिनिस्टर की सूरत ते गवर्नर की सूरत इन्हों मिले, तो मैं सोचा कि रिटायरमेंट के बाद ये मिनिमम है कि मैं अपने सूबे वास्ते ये करा कि जिस के वॉलंटरी एक ऑनरेरी कैपेसिटी मेरे खिदमात इन्होंने मुयसर हो। अल्लाह का शुक्र है कि पिछली सूबाई हुकूमत ने आकिल शाह साहब बैठे हैं, उन्होंने हुकूमत सी आकिल शाह साहब की अपनी कंट्रीब्यूशन, जिस तरह असं गए हैं इनको बोर्ड के सिलसिले कॉन्फ्रेंस के सिलसिले, इन्होंने अपनी हर किस्म के रिसोर्स साढ़े डिस्पोजल से किए हैं, तो असं इन्हों के शुक्रगुजार हैं। असी सारी जिंदगी मैं समझता कि नहीं भुला सकते। इसी तरह मैं समझदा कि पिछली सूबाई हुकूमत ने सानू कुछ फंड दिते जिस दे नाल कि असी हज़ारा इच मीट कॉन्फ्रेंस की, डी ए खान इच की, कोहाट इच की, कोई 6-7 कॉन्फ्रेंस जो टोटल उस पब्लिकेशंस कोई 150 से ज़्यादा बुक्स जो है ना गदारा इनको बोर्ड छाप चुका है,
तो इस कोई उन्होंने तमीज़ नहीं की। पश्तो की भी असी छापी, इंग्लिश द भी छापी, उर्दू की भी, तो हिंदको तो दूसरे रीजनल लैंग्वेज की। तो ये तासब सी बाला तर हो के एक अदारा काम कर रहे। अल्लाह ने एक बड़ी कामयाबी दी लास्ट ईयर के एक जड़ा ख्वाब सी गंदारा हिंदको अकैडमी का, वो अल्लाह ने पूरा किया। असी पी सी वन बढ़ाया प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वेरियस लैवल उत्ते, तो वह 7 करोड़ मंजूर हो गए। तो तुहाड़ी वो अकैडमी अल्लाह के फजल नाल यूनिवर्सिटी टाउन फंक्शनिंग शुरू हो गई है, उसकी फैकल्टी डिवेलप हो गई है, आ गई है, उन्होंने काम शुरू किया। ये हुण सेंटर हो जाएगा जिस कि तहकीक रिसर्च ते लैंग्वेज दी जरा डिवेलपमेंट जिहड़ी कि सारे सूबे दे आवाम नूं मिलाएगी इंशाल्लाह, उसी च खिदमत अंजाम देगी। गवर्नर साहब दे नाल मेरा एज एज चीफ मिनिस्टर सन काम करन दा मौका मिला, हुण एज गवर्नर, तो मैं इन्हां नूं ये देखिया कि एक बड़ी खसूसियत है इन्हां च कि जिहड़ा अच्छा काम होवे तुसीं सजेशन दिते है, तो ये कहिंदे जी फौरन करो तो अभी अभी करो, उस दे बाद वरना असी होर पॉलिटिशन चीफ मिनिस्टर नाल ही वक्त गुजारा है बहुत ज़्यादा। भुट्टो साहब दे वक्त सी मेरी सर्विस है, खुदा बख्शे हयात शेर पाओ साहब भी इत्थे रह चुके हैं, बड़े आला किरदार दे मालिक सन। उस दे बाद एडमिनिस्ट्रेटर फजल हक भी रहा, बड़ा स्ट्रोंग एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छा सी। लेकिन साढ़े गवर्नर साहब की एक खसूसियत है कि अवामी मफाद की कोई चीज़ जी इन्हों पेश की है, इन्होंने कहा जी फौरन इससे अमल कर दे, तो उसे दिलो जान दे नाल सपोर्ट की थी। एक बहुत बड़ा जज्बा है जिहड़ा कि आम तौर पर पॉलिटिशियन जरा घट होंगे, इस वजह से कि पॉलिटिशियन जरा अपनी पॉलिटिक्स का ही सोचते हैं, होर कंसीडरेशन सोचते हैं, तो मजबूर होते हैं, वो सानू पता है। लेकिन इन्हों का हमेशा है कि जी आवाम का जिते फायदा है उसी बेशक मैं जरा अनपॉपुलर ही होना पे, कुछ सैक्शन खफा भी होन, इन्होंने जो काम किया। तो हूँ भी एज गवर्नर माशाल्लाह जिस जो बेलोस खिदमत जज्बे काम कर रहे हैं, उसी मैनू ही उन्होंने एक मौका दिता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी अपने सूबे की खिदमत कर सका, कि चेयरमैन जो फाटा रिफॉर्म्स कमीशन का मैंने उन्होंने बढ़ाया, उसी जी एक टीम बढ़ा के असी जो कोशिश की है कि कोई अच्छे तजावीज़ कि जो फाटा साड़ा एरिया एक बहुत तकलीफ है कई साल से, उसी बेहतरी आ सके, रिफॉर्म्स आ जाए, तो लोग जो उ अमन। अज ही उस कमेटी की मीटिंग गवर्नर साहब पेश हुए सन, तो मैं समझदा कि फाटा का इन्हें से बेहतर तर्जमान नहीं हो सकता। मैं इन्होंने देखे कि न सिर्फ एज चीफ मिनिस्टर जो एक्सपीरियंस है, तो एज गवर्नर सोली इन्हों का मकसद ये है कि जो फाटा के आवाम हैं उन्होंने खिदमत की जाए। मैं खुशी है कि गंदारा इनको बोर्ड तो अकैडमी जी है, ये कॉन्सैप्ट इस इन्हों की पैटर्नेज रहेगी, चाहे इस पोजिशन से हो या चंद साल बाद अगर ना भी हो, तो मैं यकीन है इंशाल्लाह कि इतनी वड्डी पॉपुलेशन जी 1 करोड़ से ज़्यादा इस सूबे की, तो प्लस दूसरे सूबे जी पॉपुलेशन ये जबान बोली जाती है, इसकी इमदाद वास्ते इंशाल्लाह हमेशा आएंगे, और अज उन्हें आने का जोड़ा जेस्चर है उसके असी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अज की कॉन्फ्रेंस उस इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं, इस स्कॉलर्स भी हैं, टर्की से साढ़े जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस जबान किताब लिखी है वो बाहर पई है, असी तकसीम भी की है। इस अमेरिका से साढ़े दोस्त बहुत बड़े पिशौरी डॉक्टर अमजद साहब भी तशरीफ ले आए, इंडिया से दो आने सन, वो जड़े कोई सिक्योरिटी क्लीयरेंस से अजकल जो हालात हैं उसकी वजह से डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट कोशिश की है इंटीरियर सैकटरी नाल, लेकिन वो मुश्किल सन। तो दूसरे इलाकों के लोग, दूसरे सूबे के लोग आए इस हिंदको बोर्ड की अकैडमी की सर तारीफ सुन के, तो तुहानू खुशी होएगी कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इस साढ़े सूबे दे मर्दान दे सवाद दे उन्होंने खैर सगाली दे मैसेज भेजे, तो उन्होंने कहा जी सानू दसो कि असी किस तरीके नाल तुहाडा लिंकअप करके इसकी खिदमत कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा आला जज्बा है,
इस वजह से सर मुमकिन होया कि असी कोई तासब नहीं किया कि असी होर जबान नाल असी कोई नहीं करना या असी तशरीस करनी है। मैं समझदा कि पाकिस्तान एक इबादत है, उस साड़ा सूबा है, इस जो मुख्तलिफ किस्म के फूल लैंग्वेज हैं तो इन्होंने मिल के जो है ना इसकी खूबसूरती उजागर करना है, ज़्यादा करना है। तो इंशाल्लाह साड़ी अकैडमी जी अज भी कुछ सजेशन दोस्तों ने दिते स्कॉलर ने दिते होर भी आएंगे कि उस जो है ना असं लिंकअप करा जितनी साड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हरिपुर यूनिवर्सिटी की इनविटेशन है, श्री अंगल यूनिवर्सिटी की है, डी खान, तो उस साइड उत्ते असी लिंकअप करके जो सा तहकीक का काम है, रिसर्च है, ये सारे चीज़ा उन्होंने मिल के असी इंशाल्लाह सिनर्जी पैदा करेंगे। तो एक पौधा थोड़े इस टाइम लगे थोड़े सारे दोस्तों की जो ना इस कंट्रीब्यूशन है, तो इंशाल्लाह ये थोड़े देखते देखते एक कदावर दरख्त एक इंस्टीट्यूशन होएगा जिहड़ा कि इस सूबे के न सिर्फ लोगों को मिलाएगा बल्कि पाकिस्तान के बाकी जो इकाइयों भी नाल मिलाएगा। इन चंद अल्फाज नाल मैं दोबारा सारे मेहमान ग्रामी साढ़े जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने खुश आमदेद कहना, जनाब गवर्नर साहब न खुश आमदेद कहना, आकल शाह साहब न खुश आमदेद कहना कि उन्होंने सपोर्ट साढ़े नाल हमेशा रही है, तो इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।